हाय डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ असल रेसिपी चपली कबाब बनाने की। बहुत सारे तरीकों से आपने चपली कबाब बनाए होंगे, बट आई एम श्योर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बेहतरीन चपली कबाब बनेंगे। साथ में मैं आपको टिप्स भी दूंगी। 1.5 kg बीफ है ये, और ये चर्बी वाला बीफ है। टिप नंबर 1 भी यही है कि बेहतरीन चपली कबाब बनाने के लिए आपको चर्बी वाला बीफ लेना है। ये है 2 अदद प्याज, 10 से 12 अदद लहसुन और 2 इंच का अदरक का पीस है ये। इसको कट कर लिया, इन सबको इस मशीन में बारीक पीस लें इन सब चीज़ों को। ये देखिए, मैं ये वाली मशीन यूज़ करती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस मशीन से बीफ का कीमा बनाती हैं, तो इससे बनाती हूँ। अब इसमें शामिल किया है 2.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टेबल स्पून अनारदाना, इसको भी कूट लिया है, एंड ये है 1 टेबल स्पून अजवाइन, ये है 2 अदर टमाटर, इनको फाइनली चॉप कर लिया है, ये है 2 प्याज बड़े साइज़ की और इनको भी फाइनली चॉप कर लिया है, ये है 10 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये है मकई का आटा और ये है 4 टेबल स्पून, 1 अंडा। और टिप नंबर 2 ये है कि इसमें मकई का आटा डालना है, इसके अलावा कुछ और नहीं डालेगा, वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा चपले कबाब का। फिर इसमें शामिल किया है 1 गड्डी हरा धनिया, ये भी फाइनली चॉप है, इन सबको कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। और मिक्सिंग का भी इसका एक तरीका है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले इसको मिक्स करना है जैसे कि मैं शो कर रही हूँ, फिर उसके बाद अब इसको जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरह से इसको गूंदना है। इस तरह ये होगा कि तमाम मसाले यकजा हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब टिप नंबर 3 आपको देती हूँ कि इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको फ्रीज़ कर देना है 1 घंटे के। फ्रीज़र में रखने का मकसद ये है कि इसको जब आप फ्रीज़र से 1 घंटे बाद निकालेंगे, ये मैंने निकाल लिया है और इसको मिक्स कर रही हूँ, तो ये इसके कबाब बहुत बेहतरीन बनेंगे और इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब देखें, ये इतना ठंडा होना चाहिए कि जब आप इसको मिक्स करें तो आपका हाथ सुन्न होने लगे। तो अब इसके मैं बना रही हूँ कबाब, एंड जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, तो बस ऐसे रैंडम सा होता है, प्रॉपर गोल शेप नहीं होती, राउंड नहीं होता वो प्रॉपर। तो ये देखें बन गए हैं, इस तरह से सारे कबाब बना लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। तो अब ऑयल गरम कर लिया है मैंने और उसके अंदर कबाब को फ्राई कर रही हूँ, और मीडियम टू लो हीट पर इनको फ्राई करना है। और फॉर वन साइड इसको पकाना है 4 मिनट्स के लिए ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। फिर हम इसको टर्न करेंगे आफ्टर 4 मिनट्स, तो उसको भी नेक्स्ट साइड को भी हमें 4 मिनट्स के लिए पकाना है। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन कबाब बनेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, एंड आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। ये अब मैंने 4 मिनट्स हो चुके हैं, साइड टर्न कर दिया है इसका, एंड सेकंड साइड से भी मैं इसको 4 मिनट्स के लिए पकाऊंगी और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो पानी है वो एक्सेस वाटर वो भी रिमूव हो जाए इनमें से। फिर से इसको टर्न कर दिया है मैंने और चंद सेकंड्स के लिए इसको मैं दोबारा से पका रही हूँ, और फिर इनको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे चटनी सलाद रायते के साथ। ज़बरदस्त से मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।